जय श्री कृष्ण दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं प्रयागराज के संगम नदी के पास आए हुए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी लंबा चौड़ा संगम नदी है, इसे संगम नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीन नदी मिलती है, पहला गंगा नदी इधर से आती है, गंगा इधर से, और दूसरा उधर से आती है सरस्वती यमुना, उस ओर से आती है यमुना और इधर से आती है सरस्वती। तो इसमें तीन नदी का मिलन होता है जिसे कि संगम नदी कहा जाता है। और काफी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लाखों करोड़ों में भीड़ होती है। अभी तो भीड़ कम है और ये देख सकते हैं ये छावनी है, अभी भीड़ कम है, माघ महीने में अधिक होता है तीर्थ। यहाँ पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, लाखों करोड़ों की श्रद्धालुओं में यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ की जो है सबसे अहम भूमिका है कि यहाँ पर तीन नदी, तीन देवी माँ का मिलन होता है। और कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण किए थे, तो सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले यहीं पर आकर के प्रयागराज में आकर के यज्ञ किए थे। सबसे पहला यज्ञ प्रयागराज में उन्होंने किए थे ब्रह्मा जी ने। और यहाँ की विशेष बात यह है कि दोस्तों, यहाँ पर ये जगह काफी लंबा चौड़ा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये एरिया। और इधर वहाँ पर अब तिल संक्रांत में, मकर संक्रांति में, माघ के महीने में बहुत भीड़ होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप यहाँ से नौका विहार कर सकते हैं, यहाँ से आपको नौका मिल जाएगा। यहाँ पर ढेर सारी नौका भी है, अभी लगा हुआ, अभी सुबह का समय है और आप नौका में यात्रा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर नौका लगा हुआ है दोस्तों। ये जगह का नाम पहले था, शुरू में तो इसका प्रयागराज था, उसके बाद कहा जाता है कि अकबर यहाँ पर आया था और वो जो है यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर फिर कुछ दिनों के बाद आज से 500 साल पहले यहाँ पर किला बनाया था। यहीं पर यमुना नदी के किनारे किला है, आप देख सकते हैं उस और उसका किला है, अकबर ने किला बनवाया था जो कि काफी एरिया में फैला हुआ है उसका किला। और वही नाम बदल करके अलाहाबाद कर दिया था, उसके बाद अलाहाबाद, इसका अलाहाबास मतलब कि अल्लाह का निवास। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उसका नाम रखा इलाहाबाद। और धीरे धीरे अभी 4-5 साल पहले यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम चेंज करके प्रयागराज का नाम रखे हैं, नाम चेंज कर दिया है, इलाहाबाद से प्रयागराज हो चुका है। और सुनने में भी अच्छा लगता है, काफी सुंदर लगता नाम। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक अक्षय वट है जो कि वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो जब तक धरती रहेगा, जब तक आकाश रहेगा, जब तक लोग रहेंगे तब तक अक्षय वट यहाँ के हैं, वो किला है। उस और किला अगर आप आते हैं तो आप किला की ओर, किला में आप जरूर जाइएगा, वहाँ पर आपको अक्षय वट मिल जाएगा। और यहाँ से इसका ऊपर ब्रिज भी बना हुआ है, माता यमुना इस नदी के ऊपर रेल लाइन, इसके ऊपर रेल चलता है, ट्रेन चलती है और बस ट्रक सब, यहाँ ब्रिज बना हुआ है ऊपर में। और दोस्तों आप यहाँ पर जरूर आइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तीन नदी का मिलन होता है, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती। तो अवश्य आइएगा यहाँ पर घूमने प्रयागराज। यहाँ पर स्टेशन से आपको 30 रुपये ऑटो का भाड़ा लेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहुँचा देगा संगम नदी, संगम नदी कहिएगा आपको यहाँ पर पहुँचा देंगे। और
यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर कार भी लगा हुआ है इधर। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।